हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो भाई साहब, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है चैनल पे, तो फर्स्टली इसके लिए सॉरी। और मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले कोरोना का सिचुएशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे, उसी कारण हमारे कॉलेज में भाई साहब फिर से लॉकडाउन वाला सिचुएशन आ गया था। तो हम लोग घर चले गए थे और आज 14th February है भाई साहब, और आज मैं रिटर्न जा रहा हूँ। भाई साहब, आपका वैलेंटाइन जो होता है निब्बा निब्बियों वाला, हम तो मनाते नहीं भाई साहब, झूठा, हम तो सिंगल आदमी। तो भाई साहब, वही वैलेंटाइन जो आज हम लोग का ट्रेन में बीतने वाला है, तो मेरे साथ मेरा को पैसेंजर ऋषभ जो कॉलेज जा रहा है, ये रहा सोया हुआ। तो भाई साहब, ये ब्लॉग है ना बाकी में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाले, सो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई का चैनल, सपोर्ट, फुल सपोर्ट। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, और भाई साहब बाकी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला, सो प्लीज़ लाइक तो बनता है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। मॉर्निंग को हो रहा है 6:30, और फाइनली भाई साहब मैं पहुंच गया हूं छपरा जंक्शन पे, जो कि बेसिकली भाई साहब बिहार में ही पड़ता है। और यहां पे ट्रेन का भाई साहब 10 मिनट का स्टॉपेज है, और यहां पे मैं अभी होता हूं मॉर्निंग के टाइम में। और जितने भी भाई साहब निब्बा निब्बी देख रहे हो, सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे, और जितने भी कुंवारी कन्या देख रहे हो, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना, आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन डे। चलिए फिर तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। यार अभी भाई साहब बता रहा हूँ, टाइम हो चुका है करीबन 10 बज रहे हैं, और बहुत ज़्यादा भूख लग रखा था, तो ऋषभ के घर से खाना आया था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऋषभ के घर से ये सब खाना आया था, और ऋषभ भी मेरे साथ अभी खा रहा है भाई साहब, बाकी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना, और ऋषभ की मम्मी बना के दी है, तो स्पेशल थैंक्स टू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ भाई साहब कर ही देना यार, और ऋषभ की मम्मी को स्पेशल थैंक्स इतना प्यारा प्यारा खाना देने के लिए। तो ऋषभ कैसा लग रहा है, ये तो तेरे घर का खाना है, ऑब्वियसली बात तुमको अच्छा ही लगेगा, लेकिन मेरे से पूछ, सही बता रहा हूँ भाई यार, ये देखो कैसा लग रहा है, पनीर और कद आलू गोभी का भुजिया भाई साहब, पाके में बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है, खाने में गजब। अगर आप लोगों को भी खाना है तो आज इस ट्रेन में खाते हैं साथ मिल करके, और हाँ अगर अभी तक लाइक नहीं है तो लाइक कर दो, आपके भाई का चैनल है। जो आना चाहता है टिकट कैसे करवाएगा, आई आर से ले लूँगा, ये गर्म क्या भैया, अच्छा चाय पीजिए, लेकिन नहीं नहीं एक बार और पी लीजिए, अब ले लीजिए भैया, ले लीजिए, गरीब आदमी का भला कर, चाय ले लीजिए, अब लेना पड़ेगा आपको, निकल गया तो लेना पड़ेगा। और ये हम लोग के भाई साहब ये को पैसेंजर हैं दो, ये काठमांडू से आ रहे हैं और दिल्ली जा रहे हैं, और साथ इनके साथ ये भी हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ, मानन यादव। अच्छा भैया आपका, तो भाई साहब ये दोनों मेरे को पैसेंजर और ये लोग मेरे साथ ही जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है भाई साहब ये आपके सेकंड एसी में। अभी बहुत गर्मी लग रहा है, एसी नहीं चल रहा है। तो भाई साहब का प्रॉब्लम है, रेलवे वाले सुनो इनका बात, एसी बंद हो चुका है, क्या हो गया, इधर चल रहा है तो ठीक है, तुमको 500 रुपये वापस हो जाएगा, चिंता मत करो, 500 रुपये वापस हो जाएगा, बात कर लेते हैं रेलवे वाले से। पहुंच गए भाई साहब वाराणसी, और अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेन से आ रहे हैं, यहाँ पे 10 मिनट का स्टॉपेज है, और यहाँ पे गाइस कुछ स्टॉल वगैरह लगे हुए, तो चलिए कुछ ट्राई करते हैं, और मेरे को अभी कुछ पीने का मन कर रहा है, तो कुछ देखते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह टाइप मिल जाए तो वो लेते हैं। और यहाँ पे ऋषभ रहा, ऋषभ भी ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रहे हुए हैं, देखो ऋषभ बंदा पूरा लहक रहा है, देख रहे हो, हम मालूम है तेरे बाप को, मैं सिखा एकदम टका जा रहा है वैलेंटाइन मनाने ना, आज तो वैलेंटाइन है लेकिन बेचारे का वैलेंटाइन इस बार ट्रेन में ही जाने वाला है, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हम लोग यहाँ से लेते हैं। भैया एक थम्स अप दे दियो, ठंडा नहीं है, हाँ ठंडा, ये कौन सा पोपट होगा, ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं है, नॉर्मल है, चलो आगे चलते हैं, चलो तब तक ट्रेन का भी टाइम हो जाएगा, ऋषभ भाई बोले आगे जाने को, लेकिन आगे दिख नहीं रहेगा, यहाँ पे एक तो काउंटर लग रहा है, यहाँ सेब का रस मिलता है। भाई ये देखो,
बनारस की सिटी पे सेव का रस, हम लोग को सेव का रस तो नहीं चाहिए, जो खोज रहे थे वो मिल नहीं रहा था। क्या रही सब पोपट हो गया ना? नहीं आगे कोई नहीं दिख रहा है कहीं। अब रहने दो भाई साहब, आप हम लोग पता चलेगा। अगर लेने जा रहे हैं तो अगर जब तक लेने जाएंगे तब तक ट्रेन खुल जाएगी, तो हम लोग यहीं पर इसको कंटिन्यू नहीं कर देगा कि मिल नहीं। बगल में एक स्टॉल है वहाँ पे है ही नहीं और आगे पीछे का पता नहीं, तो चलिए फिर ट्रेन में भी इसे इससे पूछो नहीं। ये ऋषभ का दोस्त आ गया, ऋषभ का दोस्त भैया। Who are you? ऋषभ के दोस्त। भाई साहब ये सुल्तानपुर जंक्शन करके हैं जो यूपी में पड़ता है, और यहाँ पे ये थम्सअप दिया जा रहा है जिसका प्रिंट रेट है 40 रुपया, वो मिल रहा है यहाँ पे 50 रुपये, और ये शॉप ऑनर ये हैं ये बोल रहे हैं ये 50 रुपये मिलेगा जबकि इसका प्रिंट रेट है मात्र 40 रुपया। तो अब बताइए क्या दिया जाए इसके बारे में, आप ही दे दो, हम लोग पास नहीं है। अब 40 रुपये बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए आप सभी, मतलब जैसे ही किसी न्यू स्टेशन पर आप लोग आओगे और नया शकल देखे नहीं वहाँ के जो भी लोकल रहते हैं, तो आपको मतलब भाई सब जो उसका रहेगा रियल प्राइस उससे मतलब 10-5 रुपये बढ़ा के ही बोलेंगे। और अभी देख लो ये थम्सअप नॉर्मली आप लोग भी जानते होंगे 40 रुपये में मिलता है, और यहाँ पे बोल लेते एकदम अचानक से 50 रुपये इसके। तो अभी हम लोग मतलब कैमरा ऑन किया भाई सब, कैमरा के सामने समझ रहे हो तो कुछ समझने लगे तो अब कुछ है, तो फिर वो फिर तब हम लोग को जा करके 40 रुपये में दिए हैं। तो आप लोग भी सतर्क रहो, जहाँ भी जाओ प्रिंटेड देख करके लो। और एक चीज़ और, ये जब भी पानी लेते हो तो रेल नीर खरीदा करो, जो रेलवे का ऑफिशियल पानी है वही लिया करो, और उसका प्राइस मात्र 15 रुपीज़ है। उसका भी मैं देख रहा हूँ बहुत जगह 20-20 करके लिया जा रहा है, तो आप लोग सतर्क रहो। ये रहा गाइस यार अपना थम्सअप, देख लो भाई साहब भुखर को, मेरे को थोड़ा सा भी नहीं दे रहा, पूरा का पूरा खुद पी रहा है। ऋषभ दे दे, गरीब आदमी को दे दे। ऋषभ तू सब बड़ा ब्लॉगर, ऋषभ दे दे भाई, ऋषभ दे देना ऋषभ। अभी देखो बस कैमरा पे दे रहा है, वैसे तो कुछ नहीं देता, बस कैमरा के सामने भी दे रहा है, देख रहे हो गाइस। इवनिंग के 6:30 और अभी हम लोग पहुंच गए लखनऊ में, और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का भाई स्टॉपेज है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, हम लोग मुरादाबाद रात को 1 बजे करीब में पहुँचने वाले हैं, और भाई सब मतलब इतनी मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली रात। Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. तो हम लोग ने प्लान किया गाइस यार, जो हम लोग यहाँ से निकल ही जाएंगे, तो अभी हम लोग बाहर आ गए स्टेशन से बाहर, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का, कोई ऑटो लेते हैं फिर हम लोग निकलते हैं, मैं अपने रूम पे और रिजर्व अपने हॉस्टल में। तो गाइस यार मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। और हाँ आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हाँ हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपके भाई का ब्लॉग। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट कल्चर एग्रीकल्चर।